हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आपको हम बता चुके हैं, एक सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज को हम यूट्यूब से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट यूट्यूब जर्नी। यहाँ पे हम छोटा सा टारगेट रख के चल रहे हैं। हम टारगेट क्या रख के चल रहे हैं कि 2023 तक जो हम टारगेट रख के चल रहे हैं वो आपको बता रहा हूँ। 2023 तक हम चाहते हैं 25 नए ब्रांड, कम से कम 25 नए ब्रांड हमारे जम्मू कश्मीर के बाहर सामने आने चाहिए। ब्रांड का मतलब है, जैसे मान के चलो आप एक एजुकेशन चैनल बनाते हो जिसका नाम रखते हो, एग्जांपल लेके चल रहे हैं, एजुकेशन विद मोटिवेशन। आप इस तरीके से एक यूट्यूब चैनल बना के चलते हो। आपने यूट्यूब चैनल बना दिया, आप इसी नाम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाओगे, फेसबुक अकाउंट भी बनाओगे, ट्विटर पर भी जाओगे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका इस नाम से अकाउंट बनेगा, एक ब्रांड बनता जाएगा, आपका लोगो बनेगा, आपको लोग इस नाम से पहचानेंगे। हम चाहते हैं इस तरह तरीके के 25, कम से कम 25 ब्रांड 2023 तक बन जाने चाहिए। अभी मैं 25 क्यों रुक रहा हूँ आपको धीरे धीरे समझ आता जाएगा। और आज की वीडियो में क्या करने जा रहे हैं, मैं सिर्फ आपको इतना बताने जा रहा हूँ कि आपके पास कौन से कैटेगरीज अवेलेबल हैं जिसके अकॉर्डिंग आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हो। हम डिस्कशन करेंगे, आपको सब कुछ समझ आता जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या रहने वाली है, जैसे ही देखो आपने जो चैनल बनाया, जो भी जिस भी नाम से अपने चैनल बनाया, आपने हमें जब भी हम इस तरह की वीडियोस बनाएंगे आपने उसी चैनल से हमें कमेंट करना, ताकि हमें पता लग जाए आपने हमारे साथ जर्नी स्टार्ट करी थी और आगे भी हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हो। जैसे आपके 10K मेंबर्स होते हैं, यानी कि आपके 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, हम अपने एंड से आपको भी प्रमोशन करेंगे, क्योंकि हमारा पर्पस है आपको आगे ले जाना, तो आपको प्रमोशन करना जरूरी बनता है। लेकिन पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके 10,000 मेंबर आप अपने बलबूते पे बना ले, तो इसका मतलब आप सीरियस हो, हम अपनी तरफ से भी एफर्ट्स लगाएंगे। तो ये कोलैब हम एक तरह से प्रमोशन आपका करेंगे 10,000 मेंबर बनने के बाद। फिलहाल आपने क्या करना है, आपने यूट्यूब चैनल बनाना है, मैं आपको कैटेगरीज बता देता हूँ, उसके बाद आपने यूट्यूब चैनल बना देना है। जीमेल का अकाउंट नया बना दो आप, नए बनाने के साथ आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर आपको बताएंगे यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं। आप एक अच्छा सा नाम चुन के, एक अच्छा सा नाम सेलेक्ट कर लो और एक यूट्यूब चैनल बना दो, उसी यूट्यूब चैनल से आपने कमेंट करने स्टार्ट कर देने। बाकी ग्रो कैसे करना है हम आपके लिए टिप्स लाते रहेंगे। सबसे पहले आपको कैटेगरीज बता, तो मैंने लिख के रखी है। देखो जैसे आप एक काम कर सकते हो, आप किसी भी तरह का यूट्यूब चैनल बना सकते हो, बस आपने थोड़ा सा वो टैलेंट होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल बनाना स्टार्ट कर सकते हो, बनाना चाहते हो बना सकते हो, आप अकेले भी बना सकते हो, आप और भी लोगों को साथ में जोड़ सकते हो, उनके साथ मिलकर एक तरह से एजुकेशनल चैनल बना सकते हो। जरूरी नहीं कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवाओगे, 5th 6th स्टैंडर्ड की तैयारी कराओ, एक अलग तरीके से करवाओ, कुछ अलग सा स्टैंडर्ड बनाओ, कुछ अलग सा तरीका सोचो, इस तरीके से करके। फिलहाल पहला टारगेट आपको क्या रखना चाहिए, हमें जल्दबाजी कोई नहीं करनी है, हमें आराम से चलना है, लेकिन जो भी स्टेप लेना है सोच समझ के स्टेप लेना है। क्यों? क्योंकि होता है अब स्टार्टिंग में मोटिवेटेड रहोगे, जैसे रिस्पॉन्स कम आएगा आप यूट्यूब क्विट कर दोगे, वो काम नहीं करना है। धीरे धीरे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, मैं आपके साथ में हूँ, आपको टिप्स देते रहेंगे कैसे ग्रो करना है, सब कुछ होता रहेगा, बस आपको टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले ध्यान से ये सोचो आपने कैटेगरी कौन सी सेलेक्ट कर दी, हमें चैनल किस पर्पज से बनाना है, जहाँ पर आप हमेशा काम कर सकते हो। एक कैटेगरी एजुकेशन वाली आती है, आप अकेले बना सकते हो, कुछ टीम बना के कर सकते हो। और कैटेगरी जो फेमस रहती हैं, फिटनेस वाली कैटेगरी बना सकते हो आप, हेल्थ वाली, फिटनेस और हेल्थ, इस वजह से जिमिंग का बता सकते हो, योगा के बारे में बता सकते हो, डाइट प्लान बता सकते हो, आपको खुद पता है अगर आप इस फील्ड को बिलोंग करते हो आप लोगों को किस तरह से अवेयरनेस दे सकते हो। ये नहीं देखा इतने सारे चैनल बने हुए, आपने एक यूनिक तरीका सोचना है, वो आपका काम आप कैसे करोगे, लेकिन मैं वो कैटेगरी बता रहा हूँ, आप ये सेक्शन भी उठा सकते हो। उसके साथ साथ आप ड्रेस हैक्स बता सकते हो, ड्रेसिंग सेंस की बात करेंगे, अगर कोई पतला है, अगर उसको थिन है, तो उसकी बॉडी में किस तरह के ड्रेसेस को यूज़ करने चाहिए, किस तरह के ड्रेसेस, ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए, अगर कोई मोटा है या समर सीजन का पार्टी वेयर में किस तरह का कॉम्बो बनाना है, समझ गए, अगर ये पैंट तो बेल्ट कौन से लगाने, इस तरह का वो आप ड्रेस हैक्स भी बता सकते हो, अगर आप उसमें एक्सपर्ट अपने आपको मानते हो। इस तरह का यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर सकते हो, वो भी एक अच्छा चैनल बन सकता है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, रिव्यू वाला, रिव्यू में सिर्फ ऐसा नहीं बोलूंगा टेक्निकल रिव्यू, मतलब आप कोई गैजेट आ गया, मोबाइल आ गया, कोई घड़ी आ चुकी है, इसका रिव्यू कर रहे हो, आप बुक्स का रिव्यू कर सकते हो, आप मूवीज का रिव्यू कर सकते हो, कोई वेब सीरीज आ रही है उसका रिव्यू कर सकते हो, बता सकते हो टॉप 10 मूवीज कौन सी हैं, अमेजन पे चल रही हैं, नेटफ्लिक्स पे चल रही हैं, कौन सी वर्स्ट है, ये नहीं देखना वो देखना, इसमें क्या हुआ है, इस तरह के भी हजारों तरीके से आप रिव्यू कर सकते हो, किसी भी चीज़ का रिव्यू कर सकते हो, समझ गए। आप कोई नई कार आ रही है, कोई बाइक है, इसको भी रिव्यू कर सकते हो, कि आपको सोचना आप अपने को थोड़ा बहुत किस में एक्सपर्ट मानते हो उसके अकॉर्डिंग चलना है। और जैसे क्रिकेट
क्रिकेट को लेके अपडेट्स, स्पोर्ट्स की कैटेगरी में कुछ भी चल रहा है स्पोर्ट्स की दुनिया में, उसको लेके छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा अपडेट आपने बताते जाना है, आपने एनालिसिस करते जाना है। इस तरह के चैनल आप बना सकते हो। अगर आपको लगता है मैं एक्सपर्ट हूँ, ज़रूर आप उसमें सक्सेसफुल बनोगे। अगर आगे चलते हैं फूड या किचन के, आप पता है कई सारी चीज़ें होती है फूड, जैसे खाने वाली चीज़ हो गई या किचन वाला हो गया, इस तरह के चैनल बना सकते हो जहाँ पे खाने वगैरह के बारे में बता सकते हो, गार्डनिंग को लेकर बता सकते हो, जॉब अपडेट्स के बारे में बता सकते हो, बता सकते हो सीवी, अट्रैक्टिव सीवी कैसे बनाना है, आप अगर किसी जॉब के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू जा देने जा रहे हो, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको कैसे हैंडल करना है, या IAS के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं, उनका सोल्यूशन क्या देना चाहिए, इस तरह की वीडियोज आप बना सकते हो। व्लॉगिंग हो गया, ट्रैवल बड़ा कॉमन सा है, व्लॉग बनाना, ट्रैवलिंग करना, कुछ एक्सप्लोर करना, इस पर वीडियोज आप बना सकते हो। घर में बैठे बैठे आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अगर बिना खर्च के भी ज़्यादा आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा, सिंपल जो मोबाइल है उसे कैसे एडिटिंग वगैरह करनी है सब कुछ बताता रहूँगा। लेकिन अभी फिल्म आपको बता रहे हैं कैटेगरीज कौन सी हो सकती हैं। गेमिंग का चैनल बना सकते हो, आप पेट है आपके घर में, डॉगी है कोई, कुछ भी पेट वगैरह आपने रखे हुए हैं उनको लेकर आप वीडियोस बना सकते हो, वो वीडियोस भी बहुत अच्छी रैंक करती हैं, आप वो सब बना सकते हो। आपको एडिटिंग आती है, फोटोशूट अच्छा कर सकते हो, ड्राइंग स्किल्स आपके अच्छे हैं वो लोगों को सिखा सकते हो, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है वो लोगों को सिखा सकते हो, कैलकुलेशंस की ट्रिक्स है आपके पास वो सिखा सकते हो, कुछ भी इस तरह से सिखा सकते हो। स्पेशल करंट अफेयर्स की वीडियोज़ का सेशन अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हो, करंट अफेयर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप जैसे स्टॉक मार्केट के, आपको स्टॉक मार्केट की बात करके नॉलेज है, क्रिप्टो की नॉलेज है, इस तरह के शेयर्स वगैरह क्या होते हैं इसकी नॉलेज है, या आप अपना कोई एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, लोगों को अवेयर करना है उसके बारे में बताना है, एक नए तरीके से बताना होगा क्योंकि कई सारे चैनल्स में ऑलरेडी बने हुए हैं, आपको कुछ नया करना होगा, कैसे नया करना है वो आपको सोचना होगा। जरूरी नहीं चेहरा सामने ला के बनाना, बिना चेहरा लाइव भी बना सकते हो, वो सारे तरीके आपको बताता जाऊंगा। आगे बात करेंगे, आपके घर पे कोई फैमिली मेंबर या घर पे कोई ऐसे जो मैकेनिक का काम करता है, इलेक्ट्रिक शॉप है, कुछ ठीक करने का काम करते हैं, वो लोगों को बता सकते हो पंखा कैसे ठीक कर सकते हैं, ये गाड़ी का ये चीज़ ख़राब हो जाएगी वो कैसे ठीक करते हैं, पार्ट कैसे काम करता है, बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें भी सर्च करते हैं, आप उसमें भी लोगों की हेल्प कर सकते हो। बच्चे को प्रोजेक्ट बनाने हैं, वो घर में बैठे कैसे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, किस तरह से इनोवेटिव आइडियाज़ उनको दे सकते हो, इस तरह के चैनल्स आप बना सकते हो। एंटरटेनमेंट की बात करेंगे तो हज़ारों आप बना सकते हो, कॉमेडी वगैरह हो गया, कोई सोशल इंस्टेंस उसके ऊपर वीडियोज़ बना सकते हो, एक्ट वगैरह करके टीम बना के कर सकते हो, अकेले भी कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगता है। पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है आजकल, पॉलिटिकल न्यूज़ आप बता सकते हो, आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था, इस तरह की बातें, या बॉलीवुड को लेकर कुछ मूवीज़ को लेकर आजकल क्या चल रहा है, समझो गॉसिप्स टाइप का, इस तरह से भी कुछ आप बना सकते हो। इंस्पिरेशन या मोटिवेशन कोर्स हो गया, स्टोरीज हो गया, वो भी कर सकते हो। आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स कुछ करके बता सकते हो कि अगर मैं ये करूँगा तो वो देखो, लाइव एक्सपेरिमेंट करके लोगों को दिखा सकते हो। इस तरह से हज़ारों चैनल आते हैं, आपको सोचना है कि आप किस पर अच्छे से काम कर सकते हो, उस पर काम करना अपने पहले सबसे ज़रूरी है कि आप डिसाइड करो आपको काम कौन से चैनल पे करना है। एक बार डिसाइड कर लिया फिर पीछे नहीं हटना है, चाहे आपको 2-3 महीने हो गए आपको सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे, व्यूज़ नहीं मिल रहे, लेकिन आपने टारगेट सेट करके रखना है, मुझे इसी पर काम करना है और आगे कंटिन्यू करते जाना है। अगर एक तरीके से व्यू नहीं आ रहे, कुछ नया सोचो कि किस तरह से व्यू आ सकते हैं। किस सबसे बड़ी बात पता है क्या है, अपना फ़ायदा नहीं सोचना, दूसरों का फ़ायदा सोचना। अगर दूसरों का फ़ायदा सोचोगे आप ज़रूर ग्रो करोगे, इन बातों का ध्यान रखना है, समझ गए। आप एक काम करो, सबसे पहले YouTube चैनल, एक Gmail अकाउंट बनाओ नया, एक नया YouTube चैनल बनाओ, उसमें मोबाइल नंबर सब कुछ लिंक वगैरह कर दो, फिर कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस चैनल से कमेंट करना, मैं देखता हूँ कितने चैनल वगैरह बनते हैं, फिर हम पहले किसी ना किसी टॉपिक को उठा लेते हैं, देखते हैं कमेंट वगैरह कैसे आते हैं, हम आगे इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कैसे ग्रो करना है, हम खुद भी आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्टिंग में पहले आपको खुद एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप एफर्ट्स लगाओगे तो मुझे लगेगा हाँ ये बंदा एफर्ट लगा रहा है, इन्होंने मेहनत करी है, इस अपने चैनल को इस रैंक पर पहुँचा दिया है, हम आपको और बूस्टअप करेंगे, टेंशन मत लो, बट टिप्स हम आपको देते ही रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और आने वाले टाइम पे जो हमारे जम्मू कश्मीर में स्कीम्स चल रही हैं स्पोर्ट्स को लेकर, जो भी होगा सब कुछ हम इस सीरीज में कवर करते रहेंगे, अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे। थैंक यू, जय हिंद।